मैं हूं आपके साथ अली मतार। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी खबर से। पिछले दो दिनों में बिहार की सियासत तेजी से बदली है। 19 जनवरी को अचानक से लालू यादव और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश से मुलाकात करने पहुंच गए। एक दिन बाद ही नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। चंद्रशेखर के शिक्षा विभाग से छुट्टी हो गई। सियासी गलियारों में नीतीश कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कई तरह की कहानी है। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा विभाग से प्रोफेसर चंद्रशेखर की छुट्टी, आरजेडी कोटे के मंत्रियों का फेरबदल, मानस, पाठक या नीतीश की नाराजगी वजह। अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर, रामचरित मानस पर विवादित बयान और के पाठक से अनबन की खबरों के बीच आखिरकार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की छुट्टी कर दी गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से विभाग क्यों छीना गया, इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि हिम्मत होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रोफेसर चंद्रशेखर को कुछ दिन और बर्दाश्त करते। कोई फर्क नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार जी को हिम्मत होती तो चंद्रशेखर को बर्खास्त करते, हिम्मत ही नहीं है। दरअसल 20 जनवरी की शाम अचानक से खबर आई कि नीतीश कैबिनेट में बदलाव हुआ है। नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री बनाए गए। ललित यादव को राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी ने वसूली के लिए फेरबदल किया है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू प्रसाद जी को अवैध कमाई का आदत रहा है। जब वो मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, जब वो रेल मंत्री रहे तो गरीबों के पैसा के बदले, जमीन के बदले पैसा लेके नौकरी देने का काम किया। इसलिए उनको अवैध कमाई का जरिया चाहिए। अब बिहार कैबिनेट में फेरबदल की कहानी भी समझ लीजिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार श्रीराम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे रहे थे। प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरित मानस पर सवाल उठाकर विवादों में थे। प्रोफेसर चंद्रशेखर की के पाठक से अनबन थी। के पाठक के छुट्टी से लौटते ही शिक्षा मंत्री बदल दिया गया। आलोक मेहता तब लाइमलाइट में आए थे जब सीएम ने आलोक मेहता के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया। 19 जनवरी को लालू और नीतीश की मुलाकात हुई। 20 जनवरी को कैबिनेट में फेरबदल हुआ। माना जा रहा है कि लालू नीतीश की मुलाकात में ही यह तय हो गया था कि विभागों में फेरबदल होगा। हालांकि आरजेडी कैबिनेट में फेरबदल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार बता रही है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री अशोक चौधरी की दलील है कि फेरबदल की कहानी तो आरजेडी के मंत्री ही समझा सकते हैं, इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और विभाग बदलना सामान्य बात है, इसमें कोई क्यों सियासत या कुछ और नजरिए से इसे देख रहा है। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको जो समझा जिम्मेवारी दी फिर उसमें बदलाव किया, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा ये सामान्य बात है, बहुत ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तो उनके पार्टी के नेताओं ने बदलवाया होगा ना, तो उनके कोटे के मंत्री हैं तो उनका किसको कौन विभाग जाएगा ये तो उनके सुप्रीमो निर्णय करते हैं ना, हमारा तो उसमें क्या भूमिका। वहीं शिक्षा विभाग से प्रोफेसर चंद्रशेखर की छुट्टी पर चिराग पासवान खुश हैं। कह रहे हैं ऐसे लोगों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। जिस तरीके से निरंतरता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के मंत्री बार बार भगवान राम रामचरितमानस को अपमानित करने का विभिन्न तरीके के अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे लगता है इस तरीके की कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। नीतीश कैबिनेट में पिछले 8 महीने से विस्तार की बात चल रही है, लेकिन विस्तार की जगह फेरबदल हो गया। वजह राम मंदिर पर विवादित बयान हो सकता है, के पाठक से तनातनी हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार को राजी करने के लिए
फैसला लिया गया होगा। जो भी हो, सीएम नीतीश कुमार इस बार हावी दिख रहे हैं। रजनीश और शिवम, जी मीडिया, पटना।